So again, very good afternoon to all of you. So this time is English oral time, जिसमें बेटा आज हम करेंगे English oral में use of excuse me, use of he and she, जिसकी हम revision पहले भी कर चुके हैं, and I have finished. Okay? हम इसको कैसे use कर सकते हैं daily routine में, daily life में हम इनको words को कैसे यूज कर सकते हैं सेंटेंस को मिलाकर. ठीक है, तो ये नहीं कि सिर्फ मैम ने आपको सिखाया है तो आपने इसको सीखना है, आपने इनको स्कूल में घर में यूज भी करना है. ठीक है मेरा बेटा, तो पहले सबसे पहले है यूज ऑफ एक्सक्यूज मी. तो एक्सक्यूज मी बेटा हम कहाँ यूज करते हैं? डियर पेरेंट्स प्लीज माइक ऑफ कर लें, थैंक यू सो मच. बेटा जब कई बार होता है कि टू पर्सन आपस में बात कर रहे हो, वो आपके स्कूल में जैसे आपके टीचर बात कर रहे हैं, घर में आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, मम्मा पापा दादी दादू या कोई भी आपके, जैसे आपके मम्मा किसी के साथ बातें कर रहे हैं, या मैम आपके साथ बातें कर, किसी और के साथ बात कर रहे हैं. ठीक है, सपोज मैम आप स्कूल में हैं तो स्कूल में मैम किसी के साथ बात कर रहे हैं, तो आपने कुछ मैम को कहना है या मैम से कुछ पूछना है. कई बार आप क्या करते हो ना मैम की, मैम मैम ना ऐसे यूज करते हो. कई बार आपके घर में मम्मा क्या होते हैं, फोन में बिजी होते हैं, या किसी नेबर से या किसी से बात कर रहे होते हैं, तो आप मम्मा मम्मा ऐसे चिल्लाते हो. वो बात कर रहे होते हैं किसी पर्सन से, बट आप उनको बीच में ऐसे मम्मा मम्मा या पापा पापा बोलते हो जब वो किसी पर्सन से बात कर रहे होते हैं, जब फोन पे बात कर रहे हैं, जब वो कोई काम कर रहे हैं, है ना. तो ऐसे जब हमने किसी को कुछ कहना है, सपोज आपने स्कूल में अपने टीचर से कुछ कहना है, बट टीचर किसी के साथ बिजी हैं या किसी के साथ कोई बात कर रहे हैं, तो आपने उनको कुछ कहना है या उनसे कुछ पूछना है, तो आप उनको बोलेंगे एक्सक्यूज मी मैम. ठीक है, ये हमारे होते हैं एटिक्वेट्स कि हमने उनको बुलाना है. कैसे बुलाना है? जब टू पर्सन आपस में बिजी होते हैं और आपको उनसे कोई काम है, आपने कुछ उनसे पूछना है, तो आप उनको ऐसे नहीं मैम मैम मम्मा मम्मा पापा पापा नहीं बेटे. जब वो बात करें किसी से और आपको कोई काम है, तो देन यू यूज एक्सक्यूज मी मैम. ओके, क्या यूज करेंगे हम? एक्सक्यूज मी मैम. सपोज आपने मैम से कहना है कि मैम मे आई गो टू वॉशरूम, आप वॉशरूम जाना चाहते हैं, बट मैम अभी बिजी हैं, मान लो वो किसी टीचर से बात कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, तो आप क्या है कि आप उनको बोल देते हो मैम 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 किसी से बात कर रहे हैं. ठीक है, तो आप बोलेंगे एक्सक्यूज मी मैम, मे आई गो टू वॉशरूम. ठीक है, तो ऐसे जी बड़े अच्छी तरह से लगता है कि बच्चे ने एटिक्वेट से के साथ मैम से पूछा है. सिमिलरली सपोज आपके मम्मा फोन पे बात कर रही है, ठीक है, तो आपने मम्मा को बुलाना है, तो आप मम्मा को क्या एकदम से बुलाएंगे, कैसे बुलाएंगे उनको? यदि आप मम्मा को ऐसे बुलाते जा रहे हो मम्मा 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 फोन पे बात कर रहे हैं, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप भी उनको अच्छी तरह से नहीं बुला पा रहे, आपने कुछ कहना, तो आप मम्मा को बोलेंगे एक्सक्यूज मी मम्मा. तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? एक्सक्यूज मी. जब टू पर्सन आपस में बात कर रहे हो, वो कोई भी हो सकता है, आपके क्लास टीचर भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, और कोई भी हो सकता है, और आपने उनको बुलाना है, तो आप कैसे बुलाएंगे? एक्सक्यूज मी कहकर बुलाएंगे, और जो आपने कहना है उनको साथ में वो कह देंगे, वो बात आप जो बात आप करना चाहते हैं वो बात करेंगे, बट पहले क्या यूज करेंगे? एक्सक्यूज मी. ओके, जैसे अब तो जी हो गया कि एक्सक्यूज मी क्या होता है, अब हम बेटा इसको कैसे यूज कर सकते हैं. ठीक है, इसी हम एक्सक्यूज मी को कैसे यूज करते हैं कर सकते हैं, जैसे हम सपोज हम स्कूल में हैं तो हम कैसे यूज करेंगे. सपोज आप वॉशरूम जाना चाहते हो और मैम किसी के साथ बिजी हैं, तो आप मैम को क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज मी मैम, मे आई गो टू वॉशरूम. ओके, ये तब की मैम आपको बार बार बात बोल रहे हैं जब मैम किसी के साथ बिजी है. यदि ऐसे मैम बैठी हुई हैं तो आप पैसे भी पूछ सकते हैं, मैम मे आई गो टू वॉशरूम.
क्योंकि मैम किसी के साथ बिजी नहीं है, तो आप सिंपल पूछ सकते हैं, मे आई गो टू वॉशरूम। बट जब मैम किसी के साथ बात कर रहे हैं, वो बिजी हैं किसी काम में, टीचर के साथ किसी के साथ बात कर रहे हैं, देन यू यूज एक्सक्यूज मी मैम, मे आई गो टू वॉशरूम। जैसे मान लो सपोज आपने अपना वर्क फिनिश कर लिया है, क्लास वर्क फिनिश कर लिया है, तो मैम को क्या बुलाएंगे, एक्सक्यूज मी मैम आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, प्लीज चेक माई नोटबुक। ठीक है, जैसे मान लो आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, तो आप मैम को कहना चाहते हैं, बट मैम तो किसी के साथ बिजी हैं, तो आप बोलेंगे एक्सक्यूज मी मैम, ही और शी जो भी है, लड़का है या लड़की है, ही इज डिस्टर्बिंग मी। ठीक है, कि वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। नेक्स्ट इज, जैसे सपोज आपने पेंसिल बॉक्स ओपन करवाना है या टिफिन बॉक्स ओपन करवाना है मैम से, ठीक है, तो मैम इज बिजी। मैं अगेन एंड अगेन जी वर्ड यूज कर रही हूँ, जब मैम बिजी हूँ किसी के साथ, एक्सक्यूज मी मैम प्लीज ओपन माई पेंसिल बॉक्स, एक्सक्यूज मी मैम प्लीज ओपन माई लंच बॉक्स। ओके, ऐसे आप मैम को स्कूल में आप कुछ कहना चाहते हैं, तो ऐसे आप एक्सक्यूज मी वर्ड यूज कर सकते हैं जी लाइन। ठीक है, इसको कैसे सेंटेंस में लिख कर आना है, ये छोटे छोटे सेंटेंस आप डेली रूटीन में यूज करें। ठीक है जी, जब आप घर में हैं, सपोज आप घर में हैं, मम्मा से बात करनी है, आप खेलना जाना चाहते हो कि मैं खेलना जाना चाहता हूँ, मम्मा फोन पे हैं या मम्मा किसी से बात कर रहे हैं, तो आप कैसे यूज करेंगे उनको, एक्सक्यूज मी मम्मा, कैन आई गो टू प्ले, क्या मैं खेलने जा सकता हूँ। ठीक है, जैसे आप टीवी देखना चाहते हो, मम्मा बिजी हैं या पापा बिजी हैं, किसी से भी पूछना चाहते हो, एक्सक्यूज मी पापा, कैन आई वॉच टीवी। ओके, तो ऐसे आप उनको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज ही एंड शी। नेक्स्ट हम यूज कैसे करेंगे ही एंड शी, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम में बताया था कि हम ही किसके लिए यूज करते हैं, बॉय के लिए, ही इज अ बॉय, वो एक लड़का है, बॉय के लिए, फादर के लिए, ग्रैंडफादर के लिए, अंकल के लिए, ब्रदर के लिए, सर के लिए। ठीक है, उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, ही, एच ई ही, जैसे ही इज माई फादर, ही इज माई ग्रैंडफादर, ही इज माई अंकल, ही इज माई सर, ही इज माई ब्रदर। ओके, नेक्स्ट इज शी, एस एच ई शी, तो शी हम किसके लिए यूज करते हैं, गर्ल के लिए, मदर के लिए, ग्रैंड मदर के लिए, आंट के लिए, मैम के लिए, सिस्टर के लिए, कजन सिस्टर के लिए। ठीक है, जैसे कहते हैं हम शी इज अ गर्ल, वो एक लड़की है, जैसे आपकी सिस्टर है, शी इज माई सिस्टर, शी इज माई मदर, शी इज माई ग्रैंड मदर, शी इज माई टीचर। तो ऐसे हमने ही एंड शी यूज करेंगे। ठीक है, लास्ट इज आई हैव फिनिश्ड। पहले तो आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए, फिनिश मीटिंग होता है, कहते हैं हम खत्म कर दिया, जैसे कहते हैं हम डेली आप यूज करते हैं क्लास में, आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, आई हैव फिनिश्ड माय लंच। ठीक है, आई हैव फिनिश्ड मीनिंग जब हम अपना कोई भी काम, डियर पेरेंट्स प्लीज माइक ऑफ कर दें, जब हम अपना कोई भी वर्क फिनिश करते हैं, चाहे वो वर्क हो, चाहे वो लंच हो, डिनर हो, ब्रेकफास्ट हो, मिल्क हो, कुछ भी हम फिनिश कर लेते हैं, देन वी यूज आई हैव फिनिश्ड। तो जैसे आप स्कूल में होते हो, स्कूल में आप अपना वर्क फिनिश कर लेते हो, है ना, तो आपने मैम को वर्क दिखाना है, तो आप कई बार कहते हो ना मैम को, हर बार, मैम आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, प्लीज चेक माई नोटबुक। जैसे आप लंच करते हो, आई हैव फिनिश्ड माई लंच। आप घर में इसको कैसे यूज कर सकते हो, सपोज आपने मिल्क पिया है, फिनिश कर दिया है, तो मम्मा को बोलेंगे, मम्मा आई हैव फिनिश्ड माई मिल्क।
जैसे आपने ब्रेकफास्ट फिनिश कर दिया है, आई हैव फिनिश्ड माई ब्रेकफास्ट। जैसे आपने चपाती फिनिश की है, आई हैव फिनिश्ड माई चपाती। कि मैंने, इट मीन्स कि मैंने इसको फिनिश कर दिया है। तो बच्चे इसको हम यूज़ करते हैं जब हम अपना कोई भी काम, कोई भी वर्क, चाहे वो लंच चाहे वर्क हो, फिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है कि मैंने इसको ख़त्म कर दिया है, देन आई यूज़ आई हैव फिनिश्ड। तो आप इसको सेंटेंसेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, आई हैव फिनिश्ड माई लंच, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई हैव फिनिश्ड माई मिल्क, आई हैव फिनिश्ड माई ब्रेकफास्ट। तो ऐसे इसको आपने डेली रूटीन में यूज़ भी करना है। ये नहीं कि मैम ने सिखा दिए, ठीक है एक्सक्यूज मी, पूछा तो बता दिया, बट घर में आपने यूज़ नहीं करते, आप डेली रूटीन में यूज़ नहीं करते, स्कूल में यूज़ नहीं करते, तो बेटा इसका कोई बेनिफिट नहीं है। जी आपको इसलिए सिखाते हैं कि आप इसको यूज़ करें, ठीक है। अब वन बाय वन मुझे बताएंगे। मैंने लास्ट टाइम बोला था कि मैंने ये पूछना है कि कौन बच्चा कैसे यूज़ करेगा अपने आप। जैसे रूहानी है, तो रूहानी आप क्या बोलेंगे, आई एम। आप अपने मम्मा को क्या बोलेंगे, रूहानी। जैसे आप कहना चाहते हैं कि वो मेरे मम्मा हैं, तो आप मम्मा के लिए क्या यूज करेंगे, ही और शी। हाँ, क्या यूज करेंगे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स मुझे बताएं, जानवी सैनी, जानवी सैनी आप अपने पापा के बारे में बताना चाहते हैं कि वो मेरे पापा हैं, तो आप कैसे बताएंगे, क्या यूज करेंगे, ही और शी। यस ही, फुल सेंटेंस में बोले ना, फुल सेंटेंस में, ही इज माई पा, ही इज माई पापा, ही इज माई फादर। वेरी गुड जी। नेक्स्ट इज सत्कार सिंह, सत्कार सिंह। जैसे आप अपने ग्रैंडफादर को बताना चाहते हैं, दादू के बारे में बताना चाहते हैं कि वो मेरे दादू हैं, तो आप क्या यूज करेंगे, सत्कार सिंह, ही और शी। मायूक आप बताएं, आप क्या यूज करेंगे, मायूक। दादू के लिए, ग्रैंडफादर के लिए क्या यूज करेंगे, ही और शी। ही इज माय, फुल सेंटेंस में बोलें, ही इज माय ग्रैंडफादर। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट इज सवरीन, सवरीन आप अपने सिस्टर के बारे में बताना चाहते हैं कि वो मेरे सिस्टर हैं, तो आप कैसे बोलें। ओ वेरी गुड, आपने तो बहुत जल्दी आंसर दे दिया, शी इज माय सिस्टर। नेक्स्ट इज दिवांश, आप बताएं बेटा, यदि आप अपने ब्रदर के बारे में बताना चाहते हैं कि वो मेरा ब्रदर है, तो आप क्या बताएंगे, ही और शी। वेरी गुड, ही इज माय ब्रदर। नाउ श्रेयांश, शिरांश बच्चे आप अपने, यस बेटा, यदि आप अपनी ग्रैंड मदर बताना चाहते हैं कि वो मेरे ग्रैंड मदर हैं, वो मेरी दादी मम्मा हैं, तो आप क्या यूज करेंगे, यस फुल सेंटेंस, शी इज माय, वेरी गुड, शी इज माय ग्रैंड मदर। और कोई बच्चा तो नहीं रह गया, तन्वी, तन्वी रहते हैं, तन्वी। जैसे हैं आपके अंकल हैं, चाचू हैं, तो आप अपने चाचू के लिए, अंकल के लिए क्या बोलेंगे, ही और शी, कि वो मेरे अंकल हैं, तो आप क्या यूज करेंगे, तन्वी। नायरा, नायरा इज हेयर, हाँ नहीं नहीं, अंकल के लिए, अंकल के लिए क्या यूज, कैसे यूज करेंगे, ही इज माय, आप ठीक बोल रहे हो, ही इज माय
वेरी गुड जी, वेरी गुड। सबने बड़ी अच्छी तरह से आंसर दिया। भाई सबको इतना कुछ देते हैं मैम, ऐसे करते हैं जी, सबके लिए आप जो जो लेना चाहते हैं, आइसक्रीम, लॉलीपॉप, गोल्डन कैंडल, ये सबके लिए कि आपने आप सब ने बहुत अच्छी तरह से ओके ओके, जो जो आपको लग रहा है ना, जो स्टिकर आपको अच्छा लग रहा है आप ले सकते हो, ठीक है। वेलकम मेरा बेटा, वेलकम वेलकम। तो ऐसे बेटा आपने इनको यूज भी करना है डेली रूटीन में। प्लीज माइक ऑफ कर ले मेरा बच्चा। तो आज से पहले ही शी का आपको पता चल गया, अब आपने एक्सक्यूज मी, आई हैव फिनिश्ड, इसको भी डेली रूटीन में यूज करना। जब आपके दूध पी लेते हो या रोटी खा लेते हो, चपाती खा लेते हो ना, ये नहीं बोलोगे मम्मा मैंने दूध पी लिया, तो आप बोलेंगे आई हैव फिनिश्ड माय मिल्क। आज आपने आज से डेली ये सेंटेंस बोलना है, आई हैव फिनिश्ड माय मिल्क। और स्कूल में यदि आते हैं तो आई हैव फिनिश्ड माय लंच बॉक्स, जी आप टू सेंटेंस डेली यूज करेंगे। आई हैव फिनिश्ड माई चपाती, ठीक है जी, चूज करेंगे। और यदि आपने मम्मा को बुलाना है, जो वो किसी से बात कर रहे हैं, तो आप यूज करेंगे एक्सक्यूज मी मम्मा। मान लो आपके मम्मा नेबर के साथ, आंटी के साथ बात कर रहे हैं, आप उनको बुलाना चाहते हैं। यदि आपकी दीदी किसी से बात कर रहे हैं, आपके पापा किसी से बात कर रहे हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स किसी से बात कर रहे हैं, आप उनको बुलाना चाहते हैं, तो देन यू यूज एक्सक्यूज मी। ओके, आई होप कि आप इसको अप्लाई भी करेंगे डेली रूटीन में, तभी आपके लिए बेनिफिट है। तो लास्ट में है हमारा थॉट ऑफ द वीक, सेव वाटर। तो आई होप कि आपने अपना वाटर सेव किया होगा, ठीक है। तो आप कैसे कैसे सेव करते हो मुझे जल्दी जल्दी से बता दें, क्योंकि हमारा टाइम ओवर होने वाला है। कैसे कैसे सेव करते हैं रूहानी? हाँ जी, टैप बंद करके, वाटर वेस्ट नहीं होना चाहिए, वेरी गुड। और कैसे? ओके जी, ओके ओके। हाँ, जितना हमें वाटर चाहिए उतना ही वाटर पी, हमें उतना ही वाटर लेना चाहिए, बाद में दोबारा ले लें, वेरी गुड। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड बेटा जी। पारसप्रीत ने भी बहुत अच्छी तरह से आंसर दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, और कैसे कैसे सेव कर रहे हैं आप वाटर, मुझे भी तो पता चले ना कि आप कैसे कर रहे हैं। मीटर वाटर वेस्ट नहीं करते, वेल डन, गुड गर्ल मेरा बच्चा, वेरी गुड। देखो आप में से हो सकता है आपके मम्मा पापा सीखें, मेरा बच्चा नहीं वाटर को वेस्ट करता तो मैंने भी नहीं करना, ठीक है। तो आपसे ही शुरुआत होनी चाहिए और डेली होनी चाहिए, ये नहीं कि एक दिन दो दिन की बात है, ये नहीं कि गर्मियों में हमने वाटर सेव करना है, सर्दियों में तो नहीं, कोई जरूरत नहीं बेटा, सर्दियों में भी हमने वाटर को सेव करना है, उसको वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, और कैसे कैसे करते हैं हम जी? कल मैंने आपको बताया था एक और, कि अपने एल्डर्स का कहना मानना है, अपने पेरेंट्स का कहना मानना है। आई होप कि आप अपने पेरेंट्स का कहना मान लें बेटा, आप छोटी छोटी बातों पे उनकी हेल्प कर सकते हैं। कई बार आपके दादू दादी होते हैं आपके पास, या अंकल आंटी कोई भी होते हैं, तो आप उनको कुछ, जैसे उनको चाहिए न्यूज़पेपर चाहिए, ग्लास चाहिए, वाटर चाहिए, मेडिसिन चाहिए, तो आप उनको पकड़ा के ऐसे छोटी छोटी हेल्प कर सकते हैं। आपके मम्मा को प्लेट चाहिए, स्पून चाहिए, आपको, आपके ब्रदर को, सिस्टर को, एल्डर्स को, जो भी हैं, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं मैंने नहीं करना, मैं तो टीवी देख रहा हूँ, नहीं बेटा, ऐसे उनका कहना मानना चाहिए, तो ऐसे आप में गुड हैबिट डेवलप होती है, आप उनमें गुड बच्चे बन जाते हो अपने मम्मा पापा के, और आपको पता भी नहीं चलता कि आप तो बड़े गुड बच्चे, आपके मम्मा पापा भी कहते हैं, कहते हैं ना, जब आप कहना मानते हो, अच्छा अच्छा काम करते हो। वेरी गुड, और स्माइल रहना चाहिए, वेरी गुड जी, स्माइल करते हुए सारा काम करना चाहिए हम, वेरी गुड। जानवी स्माइल कर रहे हैं ना, ऐसे स्माइल फेस रहना चाहिए बच्चों का। तो आई होप बेटा
आप जो हम आपको मॉरल्स वैल्यू देते हैं आप उनको एप्लीकेबल भी करते होंगे। ये नहीं कि सुन लिया, क्लास ख़त्म हो गई तो बस कर दिया, नहीं मेरा बच्चा, उनको डेली रूटीन में एप्लीकेबल करें। और आज जो आपने सेंटेंस सीखे हैं, एक्सक्यूज़ मी, ही और शी एंड आई हैव फिनिश्ड, इनको भी डेली रूटीन में एप्लीकेबल करना है। एंड सेव वाटर, बाय, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ हमारी ये क्लास फिनिश होती है बेटा, ठीक है। देखो मैंने फिनिश, अभी मैंने बोला ना फिनिश दिस क्लास, तो अब मैं बाय बेटा, इस क्लास को मैं एंड करने लगी हूँ। बाय मेरा बेटा, हैव अ नाइस डे, और अपना वर्क अपने क्लास टीचर को सेंड कर देना है। बाय। ओके जी, बाय मेरा बेटा, लव लव यू टू ऑल, लव यू, बाय बाय बच्चे।